जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल आस गुरु और इसी तरह के हम वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, नए नए और जानकारी से भरे हुए। और यदि आप चाहते हैं ये वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जैसे दोस्तों आप जानते हैं, छोटे छोटे टोटके आपकी बुद्धि और सूझबूझ पर सीधा असर करते हैं। ये सरल प्रक्रियाएँ जो टोटकों के नाम पर दी गई हैं आपको निश्चित अतिरिक्त शक्ति प्रदान करती हैं, ताकि ठीक समय पर आप उचित सूझबूझ से काम ले सकें। फलतः आपकी सफलता निश्चित हो जाए। ये चमत्कारी टोटके बदल देते हैं आपकी किस्मत, एक बार जरूर इनको आजमाएं। एक छोटा सा दोस्तों एक टोटका लेते हैं। यदि घर की प्रमुख महिला जो होती है वो सूर्योदय के पहले उठ जाए और यदि प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल भरकर मुख्य द्वार पर छिड़के तो लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं, और यदि लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं तो उस घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती, सुख समृद्धि का वास होता है, धन धान्य से घर वो भरा पूरा रहता है। और इसी तरह बुधवार का दिन भी लक्ष्मी आगमन का दिन माना गया है, इसलिए इस दिन धन का भुगतान अथवा माल या नगद राशि उधार में किसी को नहीं देना चाहिए, इससे धन आगमन में रुकावट होती है। और आप यदि चाहें तो हर अमावस्या को लाभ की चौघड़िया के समय लक्ष्मी पूजन करें तो लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं, और लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी तो आपके घर में धन धान्य भरा रहेगा और धन लाभ होता रहेगा। और चौथा मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, गुरुवार के दिन यदि आपको अचानक अधिक धन की प्राप्ति हो जाए तो उसमें से 15, 30, 45, 60 के अनुपात में धन राशि का एक लिफाफा बनाकर मंदिर में रख दें। या आप एक काम और कर सकते हैं, 15, 30, 45 या 60 के अनुपात में धन राशि को आप किसी गौशाला के लिए या गौवंश के लिए या कोई भी जीव जंतु जानवर के लिए उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस उपाय को एक बार जरूर करके देखें। और पांचवा है, यदि आप दुकान या घर से निकलते समय खाली जेब ना चलाएं। यदि आप खाली जेब चल रहे हैं तो इससे आपके काफ़ी कार्य रुकने लगते हैं और बरकत नहीं आती है, इसलिए जब भी आप दुकान या घर से निकलें तो खाली जेब की जगह आप उसके जेब में कुछ रुपये ज़रूर साथ लेके चलें। और ऐसे ही छठवां जो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि किसी का कर्ज चुकाना है तो माने होता क्या है दोस्तों, यदि कर्ज किसी के ऊपर चढ़ जाता है तो उसका ब्याज और कर्ज इतना ज़्यादा होता है कि इनकम उतनी ही होती है और ब्याज भी देना है, कर्ज भी देना है, तो इस कर्ज की समाप्ति बड़ी मुश्किल से हो पाती है। तो यदि आप चाहते हैं कर्ज जल्दी चुक जाए आपका, तो उसके लिए आप मंगलवार के दिन से उसे पैसा देना शुरू करें, इससे कर्ज जल्दी चुक जाएगा। जैसे आप कोशिश करें बैंक का कर्ज है तो मंगलवार के दिन EMI भरें, या आपका कहीं से ओवरड्राफ्टिंग ली रखी है तो आप मंगलवार के दिन उसको पे आउट करें। और यदि किसी से आपने दोस्तों या रिश्तेदार से अपने पैसा ले रखा है कर्ज के लिए तो आप मंगलवार के दिन ही उसे पैसा वापस करें, इससे कर्ज मुक्ति जल्दी होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।